आज इस वीडियो में हम मई मंथ के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच स्टेट इंडियन आर्मी साइंड MOU टू सेट अप रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस। किस स्टेट में इंडियन आर्मी ने रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस सेटअप करने के लिए MOU पर साइन किए? गुजरात, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। करेक्ट आंसर होगा बी, मणिपुर। नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी का उद्घाटन किस सिटी में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डी, हैदराबाद। स्काई ब्रिज 721 इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन विच कंट्री? स्काई ब्रिज 721 विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज किस कंट्री में स्थित है? यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, चेक रिपब्लिक। राइट आंसर डी होगा, चेक रिपब्लिक। विच कंट्री इज होस्टिंग UNCCD COP15? कौन सी कंट्री UNCCD COP15 को होस्ट कर रही है? राइट आंसर होगा डी, आइवरी कोस्ट। विच फूड ग्रेन एक्सपोर्ट हैज बीन बैंड बाय इंडिया? इंडिया द्वारा किस फूड ग्रेन एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा सी, वीट। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 मई। Which country has won the title of Uber Cup 2022? किस देश ने Uber Cup 2022 का टाइटल जीता है? इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान। करेक्ट आंसर होगा बी, साउथ कोरिया। एंड्रयू साइमंड्स वॉज द फेमस क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के एंड्रयू साइमंड्स फेमस क्रिकेटर थे जिनका देहांत हो चुका है? करेक्ट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डेटा और एनालिटिक्स के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर होगा बी, नीति आयोग। लुम्बिनी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन विच कंट्री? खबरों में रहा लुम्बिनी किस देश में स्थित एक बुद्धिस्ट साइट है? चाइना, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। करेक्ट आंसर होगा सी, नेपाल। Who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education? Central Board of Secondary Education के chairperson के रूप में किसे appoint किया गया है? अमित अग्रवाल, निधि चीबर, अरुण गोस्वामी, आलोक कुमार। Right answer B होगा, निधि चीबर। When is World Telecommunication and Information Society Day celebrated? जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व संचार और सूचना समाज दिवस, कब मनाया जाता है? Right answer होगा 17 मई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान? करेक्ट आंसर होगा ए,
UAE. AI Engineering Services Limited partnered with which company for maintenance of its critical equipment on key defense platforms? क्वेश्चन का मीनिंग है, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ने की डिफेंस प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिटिकल उपकरणों के मेंटेनेंस के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की? तो राइट आंसर होगा बी, बोइंग. व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा बी, 17 मई. इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर विच मिशन? किस मिशन के लिए इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200? मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन, शुक्रयान मिशन या फिर चंद्रयान 3? राइट आंसर होगा बी, गगनयान मिशन के लिए. एलिजाबेथ बोर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एलिजाबेथ बोर्न को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, रसिया? राइट आंसर होगा सी, फ्रांस. व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FDI की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 42%, 50%, 68% या फिर 74%? राइट आंसर होगा डी, 74%. हु हैज वॉन द एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर होगा बी, अन्ना कबाल दुबा. एज पर द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ अडल्ट सर्वेड इन इंडिया सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अनुसार इंडिया में सर्वे किए गए अडल्ट का कितना परसेंटेज हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है? 5%, 18, 20, 23. करेक्ट आंसर होगा डी, 23%. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.